ब्रह्म ही आनंद है। यानी हर एक जीव को आनंद चाहिए, मतलब हर एक जीव को भगवान चाहिए। इस प्रकार से इस संसार में कोई भी जीव नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक हैं। क्यों? क्योंकि सबको आनंद चाहिए। वो अलग बात है कि कोई विषय आनंद में लिप्त है, कोई किसी अन्य आनंद में खोया हुआ है। प्रेमी भक्त जन भगवत आनंद में खोए हुए रहते हैं, लेकिन लक्ष्य तो केवल आनंद है। यानी संसार में रहा हुआ प्रत्येक जीव भगवान का दास है। तो आनंद की उपनिषदों में तीन श्रेणियां बताई गई। एक है विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद और तीसरा है भजनानंद। विषयों से मिलता आनंद वह विषयानंद। आंखों को देखना अच्छा लगा, जीभ को स्वाद अच्छा लगा, त्वचा को स्पर्श करना अच्छा लगा, यह क्या है? विषयानंद। तो यह हमें स्वीकार करना होगा कि यह आनंद क्षणिक है, यह हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एक मां का एक बालक खो गया, अब वो अधीरी हो गई, मेरा बालक, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। कोई मेरे बेटे को ढूंढ के ले आओ, ढूंढ के लाओ। दो दिन के बाद उसको उसका बेटा किसी ने ला के दे दिया और अब माँ के आंखों में से प्रेमाश्रु बहने लगे। मेरा बेटा चुंबन करने लगी, गोद में बिठाया, मेरा बेटा, मेरा बेटा। दूसरी बार आया, मेरा बेटा। तीसरी बार प्यार किया, चौथी बार प्यार किया, पांचवी बार गोद में आया, बस बेटा अब खेलो। दो दिन के बाद मिला, पहली बार में बड़ा आनंद आया, दूसरी बार में उससे कम आनंद आया, तीसरी बार में और कम आनंद आया और चौथी पांचवी बार में नष्ट हो गया, बस अब खेलो। तो ये विषयानंद कैसा है? नहीं मिला तब तक उसकी उत्सुकता, मिला तो भोगा और फिर धीरे धीरे नष्ट हो गया, शाश्वत नहीं है। क्योंकि विषयानंद विषयों के द्वारा मिलता है और विषय मतलब संसार। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैत अंतर्गत शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद में श्री महाप्रभु जी ने बताया कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम संसार मिथ्याः। ये तीन बातें बताई कि ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है क्योंकि भगवान उसके कर्ता हैं, पर संसार मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उसके कर्ता भगवान नहीं है, उसके कर्ता हम और आप हैं। मैंने संसार बनाया, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा मेरा मेरा, जहां ये शब्द आ जाए मैं और मेरा, उसे संसार समझ लेना और उसमें से मिलता हुआ आनंद विषयानंद और विषयानंद क्षणिक है। जिस पदार्थ से, जिस व्यक्ति से जितनी आनंद की कल्पना करोगे, उस पदार्थ और उस व्यक्ति से उतना ही दुख हमको मिलेगा। इस बात को स्वीकार लेना, उसको याद रखना। जिस पुत्र से हम बहुत ही सुख की कल्पना किया करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के पुत्र बताए गए, चार प्रकार के, ऋणानुबंधी है, सेवक पुत्र होता है, अलग अलग प्रकार के पुत्र हैं। तो जैसे हमने पूर्व में कर्म किए उस अनुसार हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जिससे जितनी आनंद सुख की कल्पना आप करोगे, उससे उतनी ही मात्रा में उतना दुख आपको मिलेगा। आचार्यों की बातें कुछ समझ जाए ना, मन में उतर जाए, तो जीवन आनंद से भर जाए। लेकिन हम उन्हीं पदार्थों में, उन व्यक्तियों में आनंद खोजते रहते हैं। तो पहली बार में आनंद, दूसरी बार में भी आनंद, तीसरी बार में कम, चौथी बार में और कम, पांचवी बार में बस। हाँ।
व्यक्ति हो या पदार्थ हो। हाँ भैया आज दावत है, क्या है आज भोजन में? तो कि बढ़िया जलेबी है, गुलाब जामुन है। अच्छा अच्छा ये तो मेरी मन पसंदीदा है। हाँ तो लो लो खाओ। एक खाया आनंद, दूसरा खाया आनंद, आपका तो पसंद है ना, पसंदीदा है। तीसरा लो, हाँ हाँ लाओ लाओ आनंद। चौथी बार आनंद कम, पांचवी बार बस, छठी बार बस बस, भैया आप तो बाहर आ जाएगा। आनंद धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका मतलब है कि आनंद उसमें है ही नहीं, केवल हमारी कल्पना है। जो उस व्यक्ति या उस पदार्थ में से आनंद होता तो हर बार मिलता, उसी मात्रा में मिलता। ये बात बड़ी समझने जैसी है। लेकिन हर बार उसी मात्रा में वो आनंद मिलता नहीं है, वो विषयानंद। तो ज्यादातर लोग उस विषयानंद में खोए हुए हैं और फिर खुद ही दुखी होते हैं, खुद ही सिर पटकते हैं। तो ये विषय आनंद जो विषयों से मिले, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं संसार मिथ्या है। संसार तो मिथ्या है, कल्पना मात्र है, आभास है, और उसमें तुम आनंद की कल्पना करोगे, ये तो फिर उससे तो आनंद मिल ही नहीं सकता। तो एक हुआ विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयानंद से एक आगे का स्टेप बताया ब्रह्मानंद, और उस ब्रह्मानंद का फल मुक्ति बताया, जिस आनंद में ज्ञानिया जिसकी खोज करते रहते हैं ज्ञानी जन मुक्ति के लिए। लेकिन मुक्ति भी चार प्रकार की बताई, इसलिए वह भी मध्यम है। लेकिन सर्वोत्तम आनंद है भजनानंद, भजनानंद मतलब भजन के द्वारा, मतलब भज सेवायाम। भज धातु से बता रहे हैं कि ये जो भजन शब्द है सेवा के अर्थ में है, यानी सेवा के द्वारा मिलता हुआ आनंद। किसकी सेवा? तो कोई आनंद स्वरूप की। आनंद ब्रह्म का एक नाम है, और उसकी सेवा करने से आनंद का अनुभव होता है। जैसे धूप में जाएंगे तो गर्मी का अनुभव हो रहा, जल हाथ में लेंगे तो गीले का अनुभव होगा। तो उसी प्रकार से आनंद का अनुभव करना है तो जो आनंद घन है, आनंद स्वरूप है, उसकी शरण में जाएंगे तो आनंद का अनुभव होगा, और संसार की शरण में जाएंगे तो दुख का अनुभव होगा। सीधी सी बात है। तो सेवा के द्वारा मिलता हुआ आनंद भगवत सेवा के माध्यम से, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यत्वापि कदाचन एवं सदास्व कर्तव्यः। श्री महाप्रभु जी ने क्या धर्म बताया? सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः स्वस्यायमेव, स्वस्यायमेव धर्म। केवल यही एक हमारा धर्म है। क्या? सर्वभावेन सेवा, कि वह कृष्ण की सर्वभाव से तुम सेवा करो तो उसके द्वारा तुम्हें आनंद का अनुभव होगा। क्योंकि आनंद स्वरूप यानी भगवान श्री आचार्य चरण ने बताई पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्ममः। वह पूर्ण आनंद केवल भगवान एक श्री कृष्ण ही है, बाकी जितने भी सब हैं देवी देवताएं, ये सब गणितानंद हैं। श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्ममः। जितने भी देवी देवता हैं प्राकृत हैं, गणितानंद हैं, मतलब उनके आनंद की गणना हो सकती है लेकिन भगवान के आनंद की गणना नहीं हो सकती। वह अगणितानंद हैं, वह पूर्णानंद हैं।
देखिए जिस प्रकार से कोई स्वास्थ्य सदाचारी विद्या संपन्न बुद्धिमान बलवान मनुष्य जिसको विपुल मात्रा में पृथ्वी का राज्य दे दिया हो उसको केवल एक मानवीय आनंद कहा जाता है। बताया गया कि उस मानव के एक आनंद से उससे 100 गुना आनंद है गंधर्वों को, गांधर्वों को उस मनुष्य से 100 गुना आनंद प्राप्त है, गांधर्वों से 100 गुना आनंद पितृलोक में रहने वाले जीव का है, उससे 100 गुना आनंद अजानज नाम के देव का है, उससे 100 गुना आनंद कर्मदेव का बताया, उससे 100 गुना आनंद इंद्र का आनंद है, उससे 100 गुना आनंद बृहस्पति का एक आनंद है, उससे 100 गुना आनंद प्रजापति का एक आनंद है, प्रजापति से 100 गुना आनंद ब्रह्मा का एक आनंद है। अब ये सोचिए 100 गुना 100 गुना 100 गुना तो ब्रह्मा तक के आनंद की गणना की जा सकती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसके आनंद की गणना हो नहीं सकती, इसलिए वह अगणित आनंद हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने पूर्णानंदो, वह पूर्ण आनंद है। इसलिए श्री कृष्ण अवतार को जो श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप से जब प्रकट हुए अंशों के साथ तो उसको पूर्णा अवतार बताया, 16 कलाओं से युक्त, क्योंकि यह पूर्णा अवतार है और बाकी सब जितने अवतार हैं वह अंश कला अवतार आदि हैं, आवेश अवतार आदि 6 अवतार बताए गए, लेकिन उसमें से भगवान श्री कृष्ण जो अंश के साथ जब प्रकट हुए तो वह पूर्ण अवतार है। इसलिए आप देखें राम आदि अवतार जो हुए उनमें भगवान ने जो उनके भक्तगण थे उनको वरदान दिए कि इस बार तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होना संभव नहीं है, अगली बार तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। लेकिन कृष्णा अवतार में भगवान ने यह बात नहीं कही कि भाई इस बार पॉसिबल नहीं है, नहीं अब तो सब संभव है। बाकी अन्य अवतारों में देखें नहीं, ये बात अभी नहीं, दंडकारण्य के ऋषियों देख लो, जब उनको प्रभु में आसक्ति हुई कि अभी नहीं अगली बार, तो वह 14 कला युक्त, यह 16 कला युक्त, तो इसलिए यह पूर्ण अवतार है। तो इन आनंद स्वरूप की सेवा के द्वारा जो अनुभव होता है उसी से आनंद की हमें प्राप्ति होती है। तो भगवान का स्वरूप बताया, सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे स्वरूप हैं जो सर्वत्र हैं, जो व्यापक हैं, जो सबके अंदर चिद अंश से विराजमान हैं, आनंद स्वरूप हैं। इतना सामर्थ्य जिसके अंदर हो फिर उसको छोड़ के अन्यत्र मन कैसे जा सकता है या अन्यत्र आनंद की कल्पना कैसे कर सकता है जी? वो करते क्या है, विश्वोत्पत्ति आदि एतवे, विश्वोत्पत्ति आदि विश्व की उत्पत्ति आदि, यानी विश्व को प्रकट करना, उनको स्थित बना के रखना, उसका लय करना, ये सब भगवान की लीला है। भगवान ने अपनी लीला करने के लिए ये जगत, ये सृष्टि की रचना की है। जब भगवान को बहिरंग लीला करने की इच्छा होती है तो भगवान इस सृष्टि का सर्जन करते हैं, और जब भगवान को अंतरंग लीला करने की इच्छा होती है तो उसी सृष्टि को वापिस अपने अंदर समाहित करते हैं। तो इस जगत की रचना भगवान ने अपनी लीला करने के लिए की है, अपने लिए की है। हम सोचते हैं ये जगत मेरे लिए है और हम उसको भोगने की इच्छा करते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना खुद के लिए की है, स्वयं के लिए, और हम सोचते हैं ये सब मेरे लिए है, सब मेरे लिए है, सब मेरे लिए है। जैसे वो हिरण्याक्ष था, ये भी मेरा, ये भी मेरा, पृथ्वी भी मेरी, स्वर्ग भी मेरा। तो ऐसी हिरण्याक्ष वृत्ति हमारी अंदर बैठी हुई है, लेकिन भूल जाते हैं सर्व खलु इदं ब्रह्म,
सब कुछ भगवान का ही है। भगवान ने अपनी लीला के लिए रूप नाम विभेदेन जगत क्रीड़ती हो यतः, भगवान ही इसमें लीला विहार कर रहे हैं। तो जो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के कारण है, इस सच्चिदानंद स्वरूप तापत्रय विनाशाय, तापों का विनाश करने वाले तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, संसारी जीवों को आदि भौतिक ताप होता है। यानी यहां पे इस श्लोक में पुष्टि प्रवाह मर्यादा तीनों प्रकार के जीवों के लिए भगवान कल्याणकारी है, इसका निरूपण किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतव, इन दो पदों से मर्यादित जीव के लिए कल्याणकारी भगवान है, क्योंकि मर्यादा जीव के दो, मर्यादा के दो भाग हैं, आचार और विचार, प्रवृत्ति और निवृत्ति। इसलिए मर्यादा जीव के लिए दो चरण यहां पर रखे गए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतव, प्रवाही जीव के लिए एक चरण एक पद यहां पे आया तापत्र विनाशाय, क्योंकि प्रवाही विषयी जीव केवल प्रवृत्ति करता है, वो सही है या गलत वो सोचता नहीं है, इसलिए उसके लिए एक पद यहां पे रखा गया। और पुष्टि जीवों के लिए तो श्री कृष्ण, बस यही शब्द पर्याप्त है। तो यह विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्र विनाशाय, आदि भौतिक दुखों का उसके तापों के निवृत्ति करने वाले, आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने वाले जो ज्ञानियों को होती है, और आदिदैविक दुख जो भगवतियों को होता है। जो श्री महाप्रभु जी ने जिस दुख की बात निरोध लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की, यच्च दुख यशोदायाम नंदादीनाम च गोकुले गोपिकायाम च यद्दुःखम तद्दुःखम स्याद् मम क्वचित्, जो दुख जो विरह जो ताप नंद गोपी जनों को हुआ, वह आर्त भाव मेरे अंदर आए। श्री आचार्य चरण यह निवेदन यह विनती कर रहे हैं। तो भगवान तीनों प्रकार के दुखों को विनाश करने वाले, नाश के आगे भी उपसर्ग लगा, मतलब वह दुख जीवन में उसको कभी सताते ही नहीं है, मूलतः नष्ट हो जाते हैं, इसलिए विनाशः शब्द आया। ऐसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, जो इस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को वयम नुमः, हम सब नमस्कार करते हैं। वयम नुमः, यह जो नमन नुमः शब्द का प्रयोग किया गया जो स्तवन के अर्थ में है, क्योंकि स्तवन यानी स्तुति के द्वारा ही भगवान सरलता से प्राप्त होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। स्तुति का मतलब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, पर जब स्नेह प्रवाह में भगवान के स्वरूप लीला का वर्णन करते हुए शब्दों का जो स्वाभाविक शब्द जो निश्रित हो जाते हैं, उसे स्तुति कहा जाता है। देखिए, स्तुति और प्रार्थना दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रार्थना का मतलब है प्रयत्नेन, अर्थ ये तो यया सा प्रार्थना, जिसके द्वारा प्रयत्न पूर्वक कोई लौकिक मांगने में आए उसे प्रार्थना कहा जाता है, पर स्तुति करने में कोई लौकिक अपेक्षा नहीं रहती। तो व्यास जी कोई भी प्रकार के फल, कोई भी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना भगवत स्नेह में आप्लावित होकर भगवान को वयम नुमः कहकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रार्थना परकिया बनाती है,
और स्तुति स्वकीयता का संपादन करती है, और भगवान को स्तुति प्रिय है, स्तुति प्रियो विष्णु। तो ऐसे भगवान की सस्नेह स्तुति की जाए और ऐसे भगवान का आश्रय करने से पांच प्रकार के फल की प्राप्ति जीव को होती है। पहला फल बताया साक्षात भागवत प्रवेश। भागवत प्राप्ति यही मुख्य फल है। देखिए भगवान दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक तो अंदर से और दूसरा बाहर से। जब भगवान में शुद्ध कपट रहित प्रीति होती है तब भगवान कृपा करके वह जीव के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और फिर भक्तों के अंदर जब भगवान के लिए आर्त भाव आता है, क्लेश युक्त भाव आता है, तब भगवान उसके हृदय से बाहर साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो यह श्रीमद् भागवत यानी यह श्री कृष्ण का आश्रय करने से पहला फल उस जीव को मिलता है, भागवत प्रवेश, भागवत प्राप्ति, भगवान में प्रवेश। दूसरा परम प्रेम की प्राप्ति। जब तक हमें संसार में आसक्ति है, स्वजनों में मोह रूप स्नेह है, तब तक भगवान में स्नेह, तब तक भगवान में प्रीति नहीं हो सकती। भगवान में स्नेह हुआ, प्रीति हुआ, वो कैसे पता चले? श्री महाप्रभु जी ने उसकी बताई बात, स्नेहाद्राग विनाशस्याद आसक्त्यास्याद ग्रहारुचि, कि जब जीव को ग्रह संसार के प्रति अरुचि आ जाए तब मानना कि हमको भगवान के लिए प्रीति हुई। तो भागवत के द्वारा कृष्ण का आश्रय करने से जीव के अंदर संसार आसक्ति नष्ट होती है, अंतःकरण शुद्ध बनता है, और भगवत प्रेम की, परम प्रेम, परम यानी परमात्मा, उस प्रेम की जीव को प्राप्ति होती है। तीसरा बताया भगवत कृपा, मतलब दुनिया में दिखाई देते हुए अनेक पदार्थ और जितने भी प्राणी हैं, तो ये हमको जब तक वो पदार्थ और प्राणियों के रूप में दिखाई देते हैं तो समझ जाओ हमको भगवान की कृपा हम पे नहीं हुई। लेकिन वह संसार में जगत में रहे हुए जितने भी पदार्थ और प्राणी सब भगवतमय दिखाई देने लग जाए, सर्व खलु इदम ब्रह्म, भगवत दृष्टि सब जीव के अंदर आ जाए, तो ये दृष्टि भगवत कृपा के द्वारा मिलती है, समदृष्टि। और जब ये दृष्टि यानी ये कृपा जब जीव के अंदर आ जाती है तब जीव के अंदर ग्रंथियां नहीं बंधती। हमारी दृष्टि अभी संसार आसक्त है, इसलिए किसी के हमें दोष दिखाई देते हैं, किसी के हमें गुण दिखाई देते हैं, लेकिन ये बात समझ में आनी कि ये जो भी हो रहा है, किसी के साथ मेरी मित्रता या शत्रुता, ये सब भगवत इच्छा से हो रहा है, इसमें भी भगवान की कोई लीला है, मेरी कोई निंदा कर रहा है या मेरी कोई स्तुति कर रहा है, कौन है करने वाला? भगवान ही तो है, क्योंकि उस जीव के अंदर भगवान ही तो विराज रहे हैं। जब ये भावना जीव के अंदर आ जाती है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की ग्रंथियां नहीं बंधती। तो ऐसी दृष्टि यानी यह भगवान की कृपा के द्वारा ही जीव को प्राप्त हो सकती है। चौथी बताई निसंशयता, सर्व संदेहों का दूर हो जाना, क्योंकि जब तक मन में कोई कार्य करने के लिए संदेह है तब तक जीव प्रवृत्त नहीं होता, उसका मन स्थिर नहीं होता,
तो यह भागवत सब संदेहों को दूर कर देता है, मन को स्थिर बनाता है, निःसंशयता। यह कृष्ण का आश्रय करने से चौथा फल उस जीव को मिलता है। और पांचवी बात बताई, निर्भिघ्नता, अभय, जीव निर्भय बन जाता है, सब भय से मुक्त हो जाता है। तो यह भागवत के या यह श्री कृष्ण का आश्रय करने से यह पंच फल यह भागवत के महात्म्य में बताया गया। तो प्रथम श्लोक में भागवत के मुख्य नायक उनका वर्णन किया, दूसरे श्लोक में भागवत के मुख्य वक्ता श्री सुखदेव जी को वंदन करने में आया। सुखदेव जी को वंदन पूर्व में है, उनका मंगलाचरण पहले है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी उत्तम अधिकारी हैं, उनके अंदर वैराग्य है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजहार पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेरु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, यहाँ पे सुखदेव जी के जन्म की कथा बताई। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही भागने लगे। प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, किसी भी प्रकार की वैदिक क्रियाएं नहीं हुई है, और 16 वर्ष के साथ ही प्रकट होके भागने लगे। प्रवजंतम मतलब कहीं एक जगह टिकते नहीं है, परिव्राजक संत हैं, प्रकट होते ही भागने लगे। न उनको जनोई है, क्योंकि वैसे तो जो ब्राह्मण होता है, कथाकार लोग ये बात बताते हैं कि भाई ब्राह्मण को चार ग्रंथियां होती हैं, चार ग्रंथियों से वह ब्राह्मण बंधा हुआ रहता है। कि एक ग्रंथि तो चोटी में, एक होती है पोथी में, एक जनोई में और एक धोती में। सुखदेव जी कैसे हैं? अनुपेत अपेत कृत्यम, किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है।